हेलो एवरीवन। सो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। वेबसाइट अप एंड रनिंग है, लाइव है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम वाली जो है। आपको क्या करना है, जस्ट अपने ofounders.net वाले अकाउंट पे लॉगिन हो जाइए अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के। ofounders.net पे लॉगिन होते ही आपको वहाँ पे जब जो लिखा हुआ है कि रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम, उसको क्लिक करना है। ओके, कंफ्यूज मत होना, जस्ट उसको क्लिक करना है। वो जैसे ही क्लिक करोगे, दैट मींस आपका डाटा उसके साथ ही नेक्स्ट पेज पे जो खुल रहा है, इकोसिस्टम वाली जो वेबसाइट हमारी, उस पे खुल रहा है। तो वहां पे हमें वो फाउंडर का ऊपर वो दिखेगा, उसको जस्ट क्लिक करोगे। ओके, जो ऊपर टॉप पे है तो रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। ओके, तो वो खुलते सार ही आपको अपना जो भी चीजें डालनी है वहां डालिए। ओ मेल कौन सी भी क्रिएट कर सकते हैं आप, नई वाली। ओके, उसको क्रिएट कीजिए। पासवर्ड अपना कोई भी डाल सकते हो। ओके, जो भी आपको अच्छा लगता है पासवर्ड, चाहे अपने ओ फाउंडर में वो डाल लीजिए, बट अगर आप नया बनाना चाहते हैं वो डाल लीजिए। ओके, तो वो हो गया। उसके बाद सारा कुछ, आपके जो रिकवरी ईमेल है वो ऑलरेडी वहां पे है, सारा कुछ आपका वहीं पे है। जस्ट आपको क्लिक करना है और आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में चले जाएंगे। इतना ही काम है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ofounders.net पे लॉगिन होना है। उसके बाद रजिस्टर टू इकोसिस्टम वाले टैब को क्लिक करना है। उसके बाद आगे जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर छोटा सा एक हमारे ओ फाउंडर्स का वो बना हो, उसको क्लिक कर दो, तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। और वहां पे आपने अपनी ओ मेल नई क्रिएट कर लीजिए और अपना पासवर्ड कोई भी डाल लीजिए। आपने पुराना डालना है आपका जो था वो डाल लीजिए ओ फाउंडर में, नया बनाना है वो डाल लीजिए, दैट्स इट। और उसके बाद उसको ओके कर दीजिए। ओके एंड डन, इतना ही काम है। जस्ट आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम की वेबसाइट चले जाएंगे। सो नथिंग टू गेट कंफ्यूज, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, काफी लोग कर रहे हैं और आप भी ऐसे कहीं कंफ्यूज मत हो। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। तो ये मेरा सेकंड वॉइस मैसेज है। पहले भी मैंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था, तो ये अब फिर से मैं क्लियर करने के लिए एक बार फिर से ये वाला वॉइस मैसेज, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बट कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के, काफी लोगों के मुझे आए मैसेज, फिर वो कंफ्यूज हो रहे, तो इसलिए मैं फिर से ये वॉइस मैसेज बना रहा हूँ। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को आपको ofounders.net जो हमारे फाउंडर्स वाली वेबसाइट है वहीं पे ही जाना है। ओके, ofounders.net पे जाना है और हम अपना जो भी ईमेल और पासवर्ड से वहां लॉगिन हो जाए। लॉगिन करते ही हमें वहां पे जो आइकॉन यहाँ दिखेगा जिसमें रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम लिखा हुआ है, उस पे तो वहां उस पे क्लिक करना है। अब होता है क्या, जब आप वहां पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज खुल जाता है ऑन पैसिव इकोसिस्टम, वो ब्लू कलर का जो है, पर्पल या ब्लू कलर जो भी आप कहते हो, वो खुल जाता है। ओके, तो वहां पे जाके हम जो ऊपर ओ फाउंडर्स का एक लोगो बना हुआ है तो उसको क्लिक करते हैं। ओके, जब उसको क्लिक करते हैं तो आगे फिर से हमें ओ फाउंडर जो हमारा ओ फाउंडर डॉट नेट, हमारी पुराने वाली जो ईमेल और पासवर्ड जैसे हम ओ फाउंडर डॉट नेट में किए थे, तो वो वहां पे डालनी है पासवर्ड और हमारा। उसको जब डालेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है आगे। ओके, और उस रजिस्ट्रेशन पेज पे हमारा जो ऑटोमेटिकली जो हमारी रिकवरी ईमेल, कौन सी, जो ये वाली ofounders.net वाली, वो ऑलरेडी वहां पे है। वहां पे हमने अपनी ओ मेल को क्रिएट करना है, वट एवर जो भी नाम रखना है हमें। उसके बाद हम अपना पासवर्ड डालें, चाहे ये वाला डालना है या आपने नया पासवर्ड बनाया वो डाल लीजिए, और बस इतना करना है। उसके बाद आप उसको क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद जब आप फिर से लॉग इन करोगे इधर इसी इकोसिस्टम वाले, तो आपको सीधा आप ओबीएस में ही जाओगे, ऑन पैसे इकोसिस्टम वाली वेबसाइट में जाएगा। तो ये सिंपल है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो पेज आपको बेसिकली कंफ्यूज कर रहा है। सिंपल है ये जो मैंने प्रोसीजर बताया, कि ofounders.net पे जाइए, रजिस्टर टू इकोसिस्टम वाली टैब को क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आ जाओगे, ऊपर वो छोटा सा एक आइकॉन बना हुआ है ofounders का, उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करोगे तो वहां पे आप फिर से अपनी ofounders वाली जो ईमेल और वो डाली, उसको क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। ओके, यही कुछ करना है आपने, जस्ट इतना सा दिमाग में रखिए और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ओके, आई होप कि ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा अभी आप। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करिए, ध्यान से सुनना है इसको, एक बार दो बार तीन बार, जब आपको समझ आ जाएगा उसके बाद प्लीज वहां पे जाके रजिस्टर। हेलो एवरीवन। तो ये मेरा सेकंड वॉइस मैसेज है। पहले भी मैंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था, तो ये अब फिर से मैं क्लियर करने के लिए एक बार फिर से ये वाला वॉइस मैसेज, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए।
बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बट कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के, काफी लोगों के मुझे आए मैसेज, फिर वो कंफ्यूज हो रहे, तो इसलिए मैं फिर से ये वॉइस मैसेज बना रहा हूँ। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को आपको ofounders.net, जो हमारे फाउंडर्स वाली वेबसाइट है, वहीं पे ही जाना है। ओके, ofounders.net पे जाना है और हम अपना जो भी ईमेल और पासवर्ड से वहाँ लॉग इन हो जाए। लॉग इन करते ही हमें वहाँ पे जो आइकॉन यहाँ दिखेगा जिसमें रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम लिखा हुआ है, उस पे तो वहाँ उस पे क्लिक करना है। अब होता है क्या, जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज खुल जाता है ऑन पैसिव इकोसिस्टम, वो ब्लू कलर का जो है, पर्पल या ब्लू कलर जो भी आप कहते हो, वो खुल जाता है। ओके, तो वहां पे जाके हम जो ऊपर ओ फाउंडर्स का एक लोगो बना हुआ है तो उसको क्लिक करते हैं। ओके, जब उसको क्लिक करते हैं तो आगे फिर से हमें ओ फाउंडर, जो हमारा ओ फाउंडर डॉट नेट, हमारी पुराने वाली जो ईमेल और पासवर्ड जैसे हम ओ फाउंडर डॉट नेट में किए थे, तो वो वहां पे डालनी है पासवर्ड और हमारा। उसको जब डालेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है आगे। ओके, और उस रजिस्ट्रेशन पेज पे हमारा जो ऑटोमेटिकली जो हमारी रिकवरी ईमेल, कौन सी, जो ये वाली ओ फाउंडर्स डॉट नेट वाली, वो ऑलरेडी वहां पे है। वहां पे हमने अपनी ओ मेल को क्रिएट करना है, वट एवर जो भी नाम रखना है हमें। उसके बाद हम अपना पासवर्ड डालें, चाहे ये वाला डालना है या आपने नया पासवर्ड बनाया वो डाल लीजिए, और बस इतना करना है। उसके बाद आप उसको क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद जब आप फिर से लॉग इन करोगे इधर इसी इकोसिस्टम वाले, तो आपको सीधा आप ओबीएस में ही जाओगे, ऑन पैसे इकोसिस्टम वाली वेबसाइट में जाएगा। तो ये सिंपल है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो पेज आपको बेसिकली कंफ्यूज कर रहा है। सिंपल है ये जो मैंने प्रोसीजर बताया कि ओ फाउंडर्स डॉट नेट पर जाइए, रजिस्टर टू इकोसिस्टम वाली टैब को क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आ जाओगे, ऊपर वो छोटा सा एक आइकॉन बना हुआ है ओ फाउंडर्स का, उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप फिर से अपनी ओ फाउंडर्स वाली जो ईमेल और वो डाली, उसको क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। ओके, यही कुछ करना है आपने, जस्ट इतना सा दिमाग में रखिए और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ओके, आई होप कि ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा अभी आप। सो थैंक यू वेरी मच, ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करिए, ध्यान से सुनना है इसको, एक बार दो बार तीन बार, जब आपको समझ आ जाएगा उसके बाद प्लीज वहां पे जाके रजिस्टर। सो थैंक यू वेरी मच।